बिहार के वैशाली में बीते दिनों छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को जिंदा जलाकर मारने के मामले में जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल तीन आरोपियों में से एक आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनावी फायदे के लिए सुशासन की नकली नींव खिसकने से बचाने के लिए अमानवीय कदम और ज्यादा खतरनाक प्रवृत्ति है। राहुल ने कहा कि ये घटना बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी और राज्य सरकार ने सुशासन के अपने झूठे प्रचार पर पर्दा डालने और मतदाताओं को गुमराह करने के लिए खतरनाक कदम उठाया है। गांधी ने ट्वीट किया, किसका अपराध ज्यादा खतरनाक है, जिसने यह अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छुपाया ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रख सके। वहीं इधर चंदन की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने पीड़ित परिवार को धमकाना शुरू कर दिया है। मृतका की बहन ने बताया कि उन्हें दबंगों द्वारा धमकाया जा रहा है। मृतका की बहन ने कहा कि दबंगों ने उसे धमकी दी है कि वो पुलिस के पास क्यों गई, उसे भी उसकी बहन की तरह जिंदा जला दिया जाएगा। उसने बताया कि पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही है। इधर मृतका की मां ने कहा पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि वो मामले को रफा दफा कर दे। पुलिस का कहना है कि हमारे हाथ में पावर है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं है, हमें लगातार धमकी मिल रही है। पुलिस द्वारा शव का जल्दी अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया जा रहा है। अब तक हमारी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया है। घर के बाहर 150 के आसपास पुलिस जवान है जो बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।